आज हमें देखने को मिली स्मैकडाउन, सबसे अनोखी ऐसा शो जो कभी आपने नहीं देखा होगा। जानेंगे सारे रिजल्ट्स और मेरा रिव्यू इस वीडियो में, तो आप इसके एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और जैसा कि मैंने कहा, आज का जो स्मैकडाउन का शो है ये कोई मेरा रिव्यू नहीं हो सकता पूरे तरीके से, क्योंकि इस शो को मैं रिव्यू कर नहीं सकता, इसको मैं कोई रेटिंग नहीं देने वाला। बेसिकली ये एक रिजल्ट्स वीडियो होने वाली है, लेकिन मैं ज़रूर आपको उस पर अपना ओपिनियन दूंगा। ये कोरोना वायरस के चलते WWE को कुछ मेजर स्टेप्स लेने पड़े। रेसलमेनिया सीजन चल रहा है तो वो पूरे तरीके से, तो कोई भी हालत में इस शो को कैंसिल नहीं कर सकते, तो उनको अपनी स्टोरी लाइंस को आगे प्रोग्रेस करना है। और उन्होंने डिसीजन लिया था ये शो होने वाला है उनके परफॉर्मेंस सेंटर से, और ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि वहां पे एक भी बंदा नहीं होगा क्राउड में। अब हमने बहुत सारे रेसलिंग शोज देखे हैं, मैं 15 साल से रेसलिंग देख रहा हूं, लेकिन मुझे याद नहीं आता कि कभी कोई लाइव शो मैं देख रहा हूं और वहां पे एक भी बंदा नहीं आया हुआ। तो मुझे वो चीज देखने में बहुत वियर्ड लगी, और एक ऐसी चीज जो बिलीव नहीं हो रही थी कि कोई भी बंदा नहीं बैठा। NXT भी परफॉर्मेंस सेंटर से हुई थी, वहां पे लोग आए थे, लेकिन स्मैकडाउन में लिटरली क्राउड वॉज एम्प्टी, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है तो WWE नहीं रिस्क कर सकती है वहां पे गैदरिंग कर नहीं सकती है। इसकी वजह से जो क्रू था वो भी बहुत कम था वहां पे, कैमरामैन लिमिटेड थे, कमेंटेटर्स लिमिटेड थे, लेकिन उसके हिसाब से जो WWE ने यहां पे हमें परफॉर्मेंस दिया आज अपने शो के थ्रू, मैं कहना चाहूंगा वो कमेंडेबल है। और जो भी हमें देखने को मिला, कुछ ज्यादा हमें बुराई उसकी नहीं करनी चाहिए। बेसिकली ये स्टार्ट होता है ट्रिपल एच की तरफ से, वो आते हैं गाइस और वो कहते हैं कि जो WWE का मोटिव है देन नाउ फॉरएवर, वो आज प्रूव होता है कि कोई भी सर्कमस्टेंस हो जाए, आप लोग आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आप हमारे दिलों में, और आपके लिए हमें शो कर रहे हैं हमारे सुपरस्टार्स जो हैं, पूरी अपनी मेहनत करेंगे यहाँ पे कोरोना वायरस के चलते हुए भी कि आपको हम अपना एंटरटेनमेंट दे सकें। तो बेसिकली वो एक स्टार्ट दे देते हैं शो को, और उसके बाद वो माइकल कोल के साथ कमेंट्री पे भी रहते हैं पूरे शो में, जो कि फनीएस्ट थिंग थी इस पूरे शो पे। ट्रिपल एच अगर फुल टाइम कमेंटेटर बन जाए तो हम तो शोज में वही हंस हंस के पागल हो जाएंगे, क्योंकि इतना अनस्क्रिप्टेड कॉमेडी था यहाँ पे, मजा आ गया। ट्रिपल एच ने जिस तरीके से एनर्जी डाली शो के अंदर, कमेंडेबल है, जितनी हम तारीफ करें ट्रिपल एच की वो कम है। तो ये शो स्टार्ट होता है साशा बैंक्स और बेली की तरफ से, गाइस वो आती हैं बाहर, बेसिकली वो प्रोमो कट करती हैं। हम जानते हैं कि पेज को एडवर्टाइज करा गया था इस शो के लिए, लेकिन किसी रीजन की वजह से पेज वहां पे नहीं आ पाई, या फिर हो सकता है कि WWE ने उनको ट्रैवल करने से मना कर दिया था। तो वो आके माइकल कोल से पूछते हैं कि पेज कहां है, हम इतना रुक नहीं सकते उनके लिए। तो माइकल कोल कहते हैं मैंने सुना है कि कुछ ट्रैवल इश्यूज हैं। तो उसके बाद वो अपना प्रोमो कंटिन्यू करते हैं, वो कहते हैं किस तरीके से वो बेस्ट हैं और आज क्राउड में अच्छा है, कोई आया भी नहीं कंप्लेंट करने के लिए, कोई उनके अगेंस्ट चैंट नहीं कर सकता, लेकिन उनको वहां पे कन्फ्रंट करने के लिए बाहर आ जाती हैं एलेक्सा ब्लिस और निकी क्रॉस। और बेसिकली वो कहते हैं कि हमने कबूकी वॉरियर्स को बहुत बार बोला है, लेकिन हमें कुछ रिप्लाई उनकी तरफ से मिला है, कुछ खास नहीं मिला। और उसके बाद वो कहती हैं साशा बैंक्स को कि तुम ऐसे जो बोल रहे हो कि तुम बेस्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि कौन बेस्ट है। और बेसिकली इन दोनों के बीच में एक मैच हो जाता है गाइज। उसके बाद यहाँ पे हमें देखने को मिलता है मैच, और आसका आ जाती है यहाँ पे इंटरफेयर करने, जिसकी वजह से एलेक्सा ब्लिस और निकी क्रॉस की टीम इस मैच को हार जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे मैच में ऑब्वियसली क्राउड नहीं था, तो शोर नहीं मच रहा था, ट्रिपल एच और माइकल कोल मजे वाली कॉमेंट्री कर रहे थे, तो उतना कुछ यहाँ पे रिव्यू करने के लिए है नहीं। और बेसिकली ये फ्यूड जो है वो आगे के लिए सेटअप कर दी गई है। उसके बाद हमें देखने को मिलती है रोमन रेंस की इंटरव्यू गाइज, और यहाँ पे माइकल कोल उनकी 1-on-1 इंटरव्यू लेते हैं, बात करते हैं उनके गोल्डबर्ग के मैच की। और रोमन रेंस का बेसिकली यहाँ पे यही कहना है कि वो डिजर्विंग है रेसलमेनिया में जाने से पहले, गोल्डबर्ग एक पार्ट टाइमर है और उसकी जरूरत नहीं है फिलहाल WWE को। और वो कहते हैं कि जो मैं रेसलमेनिया में सीजन करने वाला हूं वो मैंने आज तक कभी नहीं किया है, क्योंकि गोल्डबर्ग को मैं एक बहुत बुरी हार हराने वाला हूं। वो कहते हैं बेसिकली कि जो रोमन रेंस हुए हैं, जिस तरीके से मैंने मेहनत करी है, इतने सालों का जो मेरा एफर्ट रेसलमेनिया में हर बार डला है, मैंने इतनी बार उस चीज को करा है, तो इस बार मैं क्यों ना करूं। वो कहते हैं कि मेरे बहुत सारे क्रिटिक्स हैं मैं जानता हूं, लेकिन मेरे को इस समय पे फोकस रहना है, क्योंकि गोल्डबर्ग जैसे अपोनेंट को हराना है इस समय मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और एक चीज और वो कहते हैं कि गोल्डबर्ग अभी मेरे लिए रेडी नहीं है, वो जानते नहीं है कि मैं क्या चीज हूं। और वो बेसिकली कह रहे हैं कि गोल्डबर्ग तो गया भाई, रोमन रेंज इज गोइंग टू विन एट रेसलमेनिया। तो ये एक इंटरव्यू थी, ऑब्वियसली फिर से मैं वही कहूंगा क्राउड नहीं था तो हम रिएक्शन के हिसाब से कुछ जज नहीं कर सकते शो को। माइकल कोल कहते हैं एंड में थैंक यू रोमन रेंज, और रोमन वहां से चले जाते हैं। तो ऑब्वियसली हर चीज बहुत ही ज्यादा फ्लैट लग रही थी, और इस वजह से इन चीजों में कुछ खास मजा इतना आ नहीं रहा था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है गाइस बैकस्टेज की केला ब्रैक्सटन खड़ी होती हैं, और वो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रही होती हैं, एक प्रोमो के लिए इंतजार कर रही होती हैं जेफ हार्डी की तरफ से, लेकिन आ जाते हैं सैमी ज़ेन वहाँ पे,
और केला उनको कहती है कि तुम शेड्यूल नहीं हो इस इंटरव्यू के लिए। तो सैमी कहते हैं कोई, चलो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें सेलिब्रेशन करनी है, हम जा रहे हैं। उसके बाद जेफ हार्डी फाइनली आते हैं अपनी इंटरव्यू देने और वो कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है WWE में वापस आके, मैं बहुत हेल्दी फील कर रहा हूँ और अब मैं रेसलमेनिया सीजन के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और उनको कन्फ्रंट करने वहाँ पे आ जाते हैं किंग कॉर्बिन। वो कहते हैं कि तुम तो यहाँ पे बहुत समय से थे नहीं, तो मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे अब जो सारी चीज़ें हैं वो मैं चलाता हूँ क्योंकि मैं यहाँ का किंग हूँ। और बेसिकली जेफ हार्डी उनको कहते हैं कि आज तुम्हारे साथ एक मेरा मैच शेड्यूल्ड है, जो कि किंग कॉर्बिन को बात पसंद नहीं आती है। और उसके बाद इलायस वहाँ से आते हैं अपनी गिटार लेके, कॉर्बिन पहले ही दुखी हो जाते हैं हार्डी की बात से, तो बेसिकली वहाँ पे चले जाते हैं और इलायस को इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद गाइस ट्रिपल एच, जैसा कि मैं कह रहा हूँ बार बार, उन्होंने कमाल कर दिया शो में। माइकल कोल कहते हैं कि जबकि ट्रिपल एच के पास इतना काम है, पूरा शो चलाना है, लेकिन तब भी वो कॉमेंट्री पे आ रहे हैं। तो ट्रिपल एच कहते हैं कि जब मैं यहाँ से उठ के गया तो इंटरनेट पर मुझे देखने को मिला कि माइकल कोल कितने बेकार कॉमेंटेटर हैं, इस वजह से मुझे वापस आना पड़ा ताकि शो की और बेइज्जती ना हो। और बेसिकली वो कहते हैं कि मैं बिजी हूँ, लेकिन मैं वो बंदा हूँ जो डिमोशन के बाद बिजी होता है। और ये बहुत ही फनी था और माइकल कोल हंसने लग गए, क्योंकि हम रिसेंटली जानते हैं कि ट्रिपल एच का डिमोशन हुआ है WWE के अंदर। एक जो उनकी प्रोफेशन है, अगर हम कह सकते हैं जो उनकी डेजिग्नेशन है, वो अब नीचे आ चुकी है WWE के अंदर, और इस वजह से वो हंस रहे थे इस बात के लिए, जोक कर रहे थे। और बेसिकली माइकल कोल के पूरे शो में जो है ट्रिपल एच बेइज्जती मार रहे थे। इसके बाद हमें एक और बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलती है गाइज, ड्रू गुलेक और डैनियल ब्रायन। सबसे पहले ब्रायन जाके गुलेक को कहते हैं कि तुमसे एलिमिनेशन चेंबर के पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम बकवास कर रहे हो, लेकिन मैच लड़ने के बाद मुझे ये बात रियलाइज हुई कि तुम सच में हर चीज़ मेरी काउंटर करते थे, तो मैं तुमसे और चीज़ें सीखना चाहता हूँ। तो बेसिकली ये उन्होंने बोला। और उसके बाद वो वहाँ से जा रहे होते हैं, उनको कन्फ्रंट करते हैं सैमी ज़ेन, नाकामुरा और सिज़ारो। इन सब के बीच में हो जाती है भैंस और बेसिकली ब्रायन यहाँ पे चैलेंज कर देते हैं सिज़ारो को फॉर अ मैच। सिज़ारो कहते हैं अगर तुम्हें सैमी से प्रॉब्लम है तो तुम्हें मुझसे भी प्रॉब्लम है, और वो उसको एज ए चैलेंज मानते हैं। और हमें मैच बाद में देखने को मिलता है। उसके बाद गए सबसे बकवास चीज़ जिसके हिसाब से फैंस जो थे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे इस चीज़ को देख के, हमें एलिमिनेशन चेंबर का जो टैग टीम मैच था गाइस, जो कि एक अच्छा मैच था, प्रॉब्ली मैच ऑफ द नाइट था उस शो का, उसका पूरा रिप्ले दिखाया जाता है। 4-5 ब्रेक्स डाल देते हैं इस मैच के बीच में, और इस वजह से मुझे लगता है कि ये जो शो की रेटिंग्स होने वाली हैं वो गंदी मौत मरेंगी। और इसीलिए मैं शो को रिव्यू नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसी चीज़ें काउंट नहीं होती। WWE के पास स्टाफ कम था, सुपरस्टार्स कम थे, शो का टाइम भरना था, तो उन्होंने इतना लंबा एलिमिनेशन चेंबर मैच पूरा दिखा दिया। इस चीज़ के पीछे मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद जॉन मॉरिसन और मिज आ जाते हैं बाहर, वो बेसिकली मैच देख रहे हैं रिंग में बैठकर, और उनको खुशी हुई कि वो उस मैच को किस तरीके से जीते। और वो आके कहते हैं कि अगर क्राउड में कोई बंदा है जो हमें हेट करता है तो अभी बोले, कोई नहीं बोलता। और वो बेसिकली ऐसे 5-6 चीज़ें बोलते हैं कि अगर है किसी में दम तो बोल के दिखाए। मैं हंस रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि क्राउड में तो कोई है ही नहीं, तो आखिर कोई कैसे कुछ बोल सकता है। बेसिकली उनकी तरफ से प्रोमो था, वो कहते हैं कि जिस तरीके से हम एलिमिनेशन चेंबर में जीते थे उसी तरीके से हम आगे भी जीतते रहेंगे, और बेसिकली हम 13 साल पहले भी टाइटल जीत रहे थे, अब भी टाइटल जीत रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बेस्ट टैग टीम इन द वर्ल्ड है फिलहाल, और हमें कोई नहीं रोक सकता। ये एक उनकी तरफ से प्रोमो था। उसके बाद आ जाते हैं बाहर मोजो रॉली कॉमेंट्री पे, और वो रॉब ग्रॉन्कोस्की से रिलेटेड हमें अपडेट्स देते हैं कि नेक्स्ट वीक वो आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, अगर आप नहीं जानते तो एक फॉर्मल रग्बी और NFL प्लेयर हैं, और यहाँ पर बेसिकली शायद WWE इनको साइन करने वाली है रेसलमेनिया सीजन से पहले। तो वो एक बड़ी अनाउंसमेंट है जिसको हाइप करा जा रहा है नेक्स्ट वीक के लिए। और इसके लिए इतना पंप्ड हो गए थे मोजो रॉली की माइकल कोल का कोट पकड़ के ट्रिपल एच और मोजो रॉली दोनों खींचने लग गए, माइकल कोल के हेडफोन ऑलमोस्ट नीचे गिर गए थे, तो ये काफी फनी चीज थी। और इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है कि ट्रिपल एच कहते हैं कि हमारा क्रू बहुत कम है, तो ट्रिपल एच कैमरा लेके माइकल कोल को भी शूट करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली पूरा फन मूड में थे, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई सीरियसनेस शो चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि उनको पता था कि बस टाइम निकालने की बात है, हम वो कुछ उल्टा सीधा करते रहना है। ये चीज़ें बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगी होंगी, मुझे भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर से मैं यही कहूँगा कि एक रिजल्ट्स वीडियो ज़्यादा है, रिव्यू वीडियो नहीं है, और मैं ज़्यादा इस शो के अंदर घुसना नहीं चाहता हूँ। उसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है डैनियल ब्रायन और सिज़ारो के बीच में, जो कि ब्रायन जीत जाते हैं, लेकिन मैच के बाद यहाँ पे सिज़ारो और बाकी लोग मिलकर अटैक कर देते हैं डैनियल ब्रायन और ड्रू गुलेक पे। यहाँ पे गाइस बेसिकली और कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। उसके बाद जेफ हार्डी ने हरा दिया किंग कॉर्बिन को, एक बिल्कुल भी अच्छा मैच नहीं था। जेफ हार्डी ने ट्विस्ट ऑफ फ्यूरी लगाया जिसको ट्विस्ट ऑफ फेट नहीं बोला जा रहा, पता नहीं क्यों। उसके बाद स्वांटन बॉम्ब टू विन द मैच। इलायस यहाँ पे इस मैच में कॉमेंट्री पे थे, जो कि बेसिकली यहाँ पे फिर से एक बार कॉर्बिन को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्डी इजिली इस मैच को जीत चुके हैं। और उसके बाद मेन इवेंट में हमें प्रॉबेबली द बेस्ट चीज देखने को मिली इस पूरे शो में, जॉन सीना आते हैं बाहर और वो प्रोमो कट करते हैं, फिर से माइकल कोल उनकी 1-on-1 इंटरव्यू लेते हैं। सीना कहते हैं कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं पार्ट टाइमर, ये वो बहुत सारी चीजें ऐसी बोलते हैं जब भी मैं वापस आता हूं, लेकिन ऐसे मेरे साथ भी बहुत सारे सेटबैक्स हुए हैं जिसके
आगे मैं बढ़ा हूँ, WWE में CM Punk से आ रहा था, मनी इन द बैंक में मैं और भी बड़ी बड़ी हार हारा हूँ, रॉक से आ रहा हूँ रेसलमेनिया में, तो वो चीज़ तो सुपरस्टार याद रखते नहीं है। और जब उनको खुद को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक बड़ी हार के बाद, उनको कुछ करना पड़ता है तो वो वहाँ पे गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो ग्रिट नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है आगे बढ़ने की WWE में। और बेसिकली वो कहते हैं कि मुझे ब्लेम करने से बढ़िया ये है कि ऐसे लोग डिजर्व नहीं करते यहाँ पे WWE में होना, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, जैसे कि ड्रू मैकइंटायर, मैट रिडल, टोमासो चांपा, ये सब नाम उन्होंने लिया। और वो कहते हैं कि ये डिजर्विंग ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ द फीन्ड ब्रे वायत, जो कि इतने सालों से WWE में एक ही चीज़ करे जा रहा है और नहीं चल रही है, तो उसके पीछे वो रो रहा है बैठ के और आगे प्रोग्रेस नहीं कर रहा। तो बेसिकली अचानक से ब्रे वायत की आवाज़ आती है और वो खड़े होते हैं वहाँ पे रिंग साइड पे, और वो बैरिकेड टाप के आ जाते हैं रिंग के अंदर, बेसिकली अपने खुद के गिमिक में होते हैं। यहाँ पे हमें द फीन्ड नहीं देखने को मिला। और उसके बाद ब्रे वायत बेसिकली आके कहते हैं कि जॉन, जब रेसलमेनिया 30 में तुमने मुझे हराया, उसके बाद बहुत सारी बातें थी मेरे दिमाग में जो चल रही थी, एक पॉइंट ऐसा आ गया था जब मुझे लग रहा था कि मैं अपना दिमाग या फिर अपना सर फोड़ दूं और मैं यहाँ से चले जाऊं, लेकिन उसके बाद जो मेरे अंदर से आवाज़ें आ रही थी मैंने उस पर फोकस करा, मैंने उसको सुना और वहाँ से जो है वो फीन्ड का जन्म हुआ। और वो बेसिकली कहते हैं कि जो मैं करने वाला हूँ तुम्हारे साथ रेसलमेनिया में इस साल, वो पहले तुम्हारे साथ कभी नहीं हुआ है, लेट मी इन। और एक कमाल का प्रोमो हमें देखने को मिला ब्रे वायत की तरफ से, काफ़ी अच्छी एंडिंग थी स्मैकडाउन की, ये प्रॉब्ली द बेस्ट पार्ट था पूरे शो पर ट्रिपल एच को छोड़ के। और ये थी गाइस स्मैकडाउन, इसको मैं फिर से कोई रेटिंग नहीं देना चाहता, आप लोग अगर इसको रेट करना चाहते हैं तो फ्री हैं, कमेंट्स में आप जाके मुझे बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा स्मैकडाउन का। एक और चीज़ मैं आपको बता दूंगी, मंडे नाइट रॉ सेम परफॉर्मेंस सेंटर से ही होने वाली है विदाउट एनी क्राउड, और वो 3 घंटे का शो होगा, तो मेरे हिसाब से वो एक अपने आप में चैलेंज है हम लोगों के लिए बैठ के लाइव देखना, देखेंगे कैसे चलता है वो। लेकिन ये था स्मैकडाउन का रिव्यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।